नाइस ना। तो और दिखाओ मैडम। स्टील टोस दिखाओ ना। अच्छा लग रहा है, है ना? हाँ भैया, इनके लिए तो 6-7 इंच वाली हील दिखा दो। ठीक है। हाँ बेटा बोल। माँ, हाँ? मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर कर लिया। सच? भैया। हाँ जी। फ्लैट सी दिखाइए। क्यों, क्या हुआ? कद बढ़ाने के लिए अब लटकना शुरू करोगी दिन रात 24/7? बेटी ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और टीचिंग एग्जाम क्लियर किया। और बच्चे जब तरक्की करते हैं ना, तो माँ बाप का कद अपने आप बढ़ जाता है। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, SSC जैसे अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। आपको हमें ये बताना है एक ट्वीट के माध्यम से कि जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपकी ड्रीम जॉब आपको मिलेगी, तो आप सबसे पहली कॉल किसको करेंगे और क्यों। जैसा कि आपने फिल्म में देखा कि जो फिल्म के हमारे करेक्टर थे, सुनीता मैन थी, उनको उनकी बेटी का कॉल आया, यानी कि बेटी ने सबसे पहले अपनी माँ को कॉल किया। एंड देयर मे बी सम रीजन बिहाइंड इट, राइट? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप सबसे पहली कॉल किसको करेंगे और क्यों करेंगे। अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है क्यों, तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि मम्मी पापा, यानी कि किसको करेंगे, उतना लिखकर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर थोड़ा सा लिखें, 1-2 लाइन लिखें कि किसको करेंगे और क्यों करेंगे, और ये ट्वीट करें विद द हैशटैग जॉब है तो रॉब है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। एक मुहिम है जो हम सब मिलकर चला रहे हैं, पूरा अड्डा परिवार, अड्डा के सारे स्टूडेंट्स, और हम चाहेंगे कि आप सब उसमें पार्टिसिपेट करें और इस मुहिम को हर बच्चे तक पहुंचाएं, देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक पहुंचाएं। जॉब है तो रॉब है।